मजा आई दियो। שבת שלום, בוקר טוב, רובן. כן, כן. נסתכלת, מה זה? כן, כן. אתה מכיר? בטח, בטח. בוקר טוב. עוד פעם. יאללה פה. हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बुकेर तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी आप लोग सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज है सबात सैटरडे, तो थोड़ा लेट करके उठा मैं, क्योंकि यहाँ के लोग रेस्ट डे ना, तो सैटरडे इतना टेंशन नहीं रहता कि हम लोग आराम से उठ सकते हैं। आज मैं 10 बजे उठा था, तो नहाते ये सब सुबह का ना, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। तो आप सभी लोगों को, तमाम मेरे जितना भी मेरा फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, तमाम लोगों को दिल से शुक्रिया आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के लिए। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, उन तमाम लोगों को थैंक यू। और जिन्होंने वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करे, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो गाइस, आपका आज का थंबनेल देख के आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा, वो रुबेन वो। आज मैं फिर से दम बिरयानी बनाने जा रहा हूँ, जो कि है सैटरडे स्पेशल, सबात स्पेशल। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो वन बाय वन हो सक जितना हो सके आप लोगों को मैं सब स्टेप बता दूंगा आज के वीडियो में। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ बिरयानी के ऊपर, तो आज हम लोग बिरयानी खाएंगे रुबेन, ओके? और इंडियन डिश रुबेन को भी बहुत पसंद है, इंडियन चाइनीज। तो अभी मैं रेडी करने जाऊंगा किचन की ओर, जो भी सामान वगैरह लगेगा, तो बाद में हम लोग मिलते हैं। गाइस, बने रहे मेरे चैनल में। और आज है 26 अगस्त, तो आज ऑल दार्जिलिंग बंद है, स्ट्राइक है, हमारे गोरखाली बच्ची दिया प्रधान को लेके, जिनका निर्मम हत्या हो चुका है सिलगुड़ी में। तो एक बार फिर से दिया की शोक और परिवार और दिया के ऊपर मैं अपना शोक प्रकट करना चाहूँगा। गाइस, बहुत ही दुखद घटना हुआ है। तो जो भी हो, अभी हम लोग सीधा बिरयानी बनाने के लिए जाएंगे, तो बने रहे मेरा चैनल में। तो दोस्तों, मैं ना घर पे जिस तरीके से बिरयानी बनाता हूँ, जो सिंपल टेक्निक से, तो उसी तरीके का कुछ टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले पानी, गर्म पानी बॉयल हो रहा है, तो उसमें मैं डाल दूंगा पुदीना और धनिया पत्ता, ठीक है? और ये है बेली तेज पत्ता, और ये इलायची है स्टर फ्राइड मसाला, और ये भी जायत्री है, और जायत्री और जीरा, ये सब चीज़ें मैं पानी में मिक्स कर देता हूँ, ताकि इनमें ये घुल मिल जाए और फ्लेवर आए बाद में, मस्त तरीके से फ्लेवर आएगा इसलिए। और इसमें ऑयल भी ऐड करना है, भी बाद में मैं ऐड कर रहा हूँ, अभी मेरा सामान भिगो के रेडी हुआ है। इसको मैं इस तरीके से बॉईल करके कुछ देर के लिए बॉईल करूँगा, और 70-80% जब कुक होएगा तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। तो ये रहा मेरा पहला स्टेप। गाइस, बिरयानी का सिर्फ आधा हिस्सा ही रेडी हुआ है। अभी मैं कुछ करी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये चेक कीजिए, ब्राउन प्याज
और ये है वाइट सॉस, वाइट ग्रेवी, और मेरा चिकन ऑलरेडी ऑलमोस्ट कुक हो चुका है विथ स्पाइसेस। देख सकते हो रोगन ऑलरेडी छोड़ चुका है। बिरयानी खाने में जितना मज़ा आता है ना, बनाने में उतना ही मेहनत है। अगर मेहनत करके हम लोग बनाते हैं ना तो हर चीज़ अच्छा होता है। मैं आप लोगों को कितने बार बता चुका हूँ, कुनै पनि चिज हामीले मेहनत गरेर बनायो भने चाहिँ त्यसको टेस्टै अलग हुन्छ क्या। चेक गर्नु अब यो कुक भइसकेको छ मजाले। अब यसमा म वाइट सस एड गर्छु। वाइट सस एड गर्नु मतलब चाहिँ नि एक त गाढा हुन्छ होइन, अर्को कुरा चिकन टेस्टी हुन्छ क्या। अब कोही भी इन्डियन डिसमा ना, इन्डियनका जो खाना रहता है उसमें ना एक करी ग्रेवी का बहुत ही इम्पोर्टेन्ट रोल रहता है। बिना करी बिना ग्रेवी कोई भी इंडियन खाना हम लोग बना नहीं सकते, इनकम्प्लीट होता है। तो गाइस ये चेक कीजिए, अभी मेरा दिखने में बटर चिकन जैसा लग रहा है, मगर ये जो है डिश में थोड़ा ऑनियन भी ऐड करता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा खुशबू आया। हेलो दोस्तों, फाइनली मेरा बिरयानी का सेटअप अभी रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको फिलिंग करने वाला हूँ। अभी देख सकते हो आप लोग मेरा चिकन करी रेडी हो चुका है। अभी इसमें जाएगा लेयर बाय लेयर, अभी मैं इसको लेयर बनाने वाला हूँ। सबसे पहले थोड़ा बहुत करी, उसके बाद जाएगा चावल, अभी इसको हिलाना नहीं ज़्यादा। अभी ये हो गया मेरा पूरा, थोड़ा बहुत करी मैंने बचा के रखा है राइस के लिए, और ये मेरा रायता, रायता भी रेडी हो चुका है गाइस। रायता में काकड़ी है और जीरा पाउडर और चिल्ली पाउडर बस, और कॉड। अभी मेरा बिरयानी रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको दम लगाने वाला हूँ। अभी इसको ऊपर से ढक्कन से मैं पूरा ढक दूंगा ताकि ये बराबर दम लग जाए इसके अंदर। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, अभी चेक कीजिए। यहाँ पे मैंने एक पैन रखा है, नॉनस्टिक पैन, और इसके ऊपर ये बर्तन जो है बिरयानी का बर्तन मैंने दम देने के लिए रखा,
ऊपर से ढक्कन में कपड़ा लगा के रखा हूँ, ढक दिया। तो ये करने से ना, ऐसा करने से बिरयानी में जो टेस्ट रहता है ना, दम अंदर से दम लग जाता है, क्योंकि जो भी अंदर इसका जो भी फ्लेवर रहता है ना, वो बाहर नहीं जा पाता। इस तरीके से हम लोग घर में आसानी से दम बिरयानी बना सकते हैं। दम बिरयानी फाइनली रेडी हो चुका है। अभी इसका होगा अनबॉक्सिंग। फिर चेक कीजिए गाइस, 1 2 3। ओह वाह, अब इसका अनबॉक्सिंग हो रहा है। अभी प्लेट में सब होगा तो हम लोग टेस्ट करेंगे इसका। बिरयानी जब भी निकालते हैं आप लोग तो साइड से निकाला करें। गाइस अभी बिरयानी रेडी हो चुका है। अभी ये चेक कीजिए गाइस, रायता अभी मुकबंग होने वाला है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रूबेन बेटे अबोन, तो मजा आई दियो। बिरयानीमा रायता छैन, मजा आउँदैन छ त्यो। अभी एक तो गर्म है बाहर, इतना गर्मी है ना, गर्मी में दही एकदम बेस्ट। मजा आ गया गाइस, चिकन भी इतना टेस्ट हुआ है ना, बहुत बढ़िया। एक नंबर हेलो, वाह हेलो, वाह एक नंबर बना, एक नंबर। गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग।
इफ यू गाइस आर लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों को बिरयानी बनाने का है घर पे तो कुछ इस तरीके से बिरयानी बना के खा सकते हो मस्त तरीके से। आज मजा आ गया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और जितने भी दोस्त लोग सपोर्ट कर रहे हैं शेयर कीजिए उन तमाम दोस्त लोगों को। थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूँगा। तो अभी के लिए रखता हूँ, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नया दिन और नया वीडियो के साथ। आज का दिन आप लोगों का अच्छा रहे, मेरा तो आप लोगों को मालूम पड़ गया मेरा क्या। बाय बाय गाइज, स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में।